आरोग्यम वेलनेस सेंटर ये लगभग यहाँ 13 वर्ष से हम कार्यरत हैं नोएडा के अंदर, और पूरे भारत में हमारे प्रचार प्रसार के लिए जैसे कि योग आयुर्वेद जन जन के जीवन में योग आयुर्वेद उतरे, लोग आयुर्वेद पर आए, अपने जो हमारी भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो चिकित्सा पद्धति है, इसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। लेकिन हम भारतीयों में इसका भाव देखते हैं। भारतीय हमारे बाहर की कोई रिसर्च आ जाती है, रिसर्च हमारे वेदों की है, हमारे ऋषियों की है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो कोई यूरोप की यूनिवर्सिटी उसको सर्टिफाई कर देती है तो वहाँ उसको भारत के लोग बड़े विश्वास से अपना लेते हैं। जैसे नियर में आपने सुना होगा कि दाल और चावल जो है एक ऐसा भोजन माना गया कि ये सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन होता है इसके अंदर और बच्चों के लिए बहुत पोषक देने वाला है। अब हमारे यहाँ ये बात एक जो कभी स्कूल नहीं गई ऐसी माता वो जानती है, वो अपने बच्चों को दाल चावल और मौसम के हिसाब से कौन सा आटा खाना है, कौन सा तेल खाना, ये सब लोग हमारे भारत में नेचुरली जानते थे। तो हमारी जो संस्था है बेसिकली ये योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में कार्य कर रहे हैं। पिछले 26 वर्षों से मैं इस सेवा में लगा हुआ हूँ और जन जन तक मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारे भारत के लोग कम से कम पहले अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए और फिर विश्व लेवल पर जो है, तो हम गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आयुर्वेद से जोड़ना चाहते हैं, अमीर से अमीर व्यक्ति को भी आयुर्वेद से जोड़ना चाहते हैं, सब इसका लाभ ले सकते हैं। कोरोना काल में भी आप सब ने देखा है कि आयुर्वेद कितनी मूल प्रबलता के साथ कोरोना के साथ जो है फाइट कर पाया। जिस व्यक्ति ने आयुर्वेद को अपनाया उसकी न ऑक्सीजन कम हुई कभी, न उसको महंगे लाखों रुपए हॉस्पिटलों में खर्च करने पड़े एलोपैथी के प्रति, उसको न कहीं किसी हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़े। नहीं तो हॉस्पिटलों में जो बुरा हाल हुआ है मतलब वो बड़ा दुखदायक है। अभी हम फिलहाल जो हमारा फोकस ज़्यादा है वो स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं जो सियाटिका पेन से ग्रसित हो जाते हैं। कोई इलाज नहीं है, केवल सर्जरी है। उसको नेचुरल तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से कुछ नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट से उसको ठीक किया जा सकता है। पोटली है, कटिवस्ती है, उसकी मसाज देते हैं, अभ्यंगम है, वो सब जो है सियाटिका किसी भी स्टेज में चली गई आपकी रिवर्स हो सकती है। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ एक क्रोनिक रोग माना जाता है, असाध्य रोग, और आयुर्वेद कहता है कि डायबिटीज़ कोई रोग ही नहीं है। देखो कितनी बड़ी जो है विपरीत विचारधारा है। आयुर्वेद कहता है डायबिटीज़ केवल आलस्य का परिणाम है। जो व्यक्ति आलसी है, जिसका नियम नहीं है जीवन के प्रति, उठने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं है, उसको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ नहीं, इसको आयुर्वेद प्रमेह रोग कहता है। प्रमेह में पूरा डाइजेशन से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है। आपका लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पैनक्रियाज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपका स्प्लीन ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो कई तरह के ऐसे जो बीमारियाँ हैं जो प्रमेह रोग में आ जाती है और इसका इलाज बहुत सरल है।